केसीआर मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, बिहार में नीतीश कुमार से जाकर मिलते हैं, लेकिन जब दिल्ली में दफ्तर खोलते हैं तो केजरीवाल नहीं आते। जानकार कहते हैं कि चंद्रशेखर राव हरियाणा और पंजाब से 2024 पर फोकस करना चाहते हैं और इसी नीति से केजरीवाल खफा हैं। उधर हरियाणा के बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को केसीआर ने पार्टी के किसान विंग का अध्यक्ष बनाया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब हरियाणा और पंजाब में तेलंगाना मॉडल का प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं, 2014 में बीजेपी के चुनावी नारे अब की बार मोदी सरकार की नकल करते हुए केसीआर ने नया नारा दिया है, अब की बार किसान सरकार। एक बात तो समझ में आई और सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से, इसलिए 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। केसीआर का दावा है कि वो देश भर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। इस दावे के साथ उन्होंने इस सवाल को और बड़ा कर दिया है कि 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ कौन है। बंगाल, बिहार, दिल्ली के बाद 2024 के दंगल में दक्षिण की भी एंट्री होने से क्या बीजेपी के लिए आगे के रास्ते आसान होंगे या नई मुश्किलें खड़ी होंगी? लगता कि केंद्रीय स्तर पर केसीआर को इतनी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं कि वो एकदम से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन जाए या विपक्ष के नेता उनको एक अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में स्वीकार कर लें। अभी तो ये स्थिति यही लगती है, अब आगे एक साल बाद क्या होता है इसके बारे में तो कहना कुछ भी मुश्किल है। जी के जो कालखंड उनके लिए दिया था जनता ने 10 साल का, उसमें 80% समय खत्म हो चुका है। अब उनके नीतियां क्या है साफ देश के सामने आ चुके हैं। उनका क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, उनका चलाने का ढंग क्या है, देश को किस प्रकार से साथ लिए जा रहे हैं, ये सारे देश के सामने आ चुके हैं। जानकारों का मानना है कि चंद्रशेखर राव को दूसरी पार्टियां तब तक ही पसंद हैं जब तक वो उनके पीछे चलने को तैयार हैं। हैदराबाद नगर निगम चुनाव और तेलंगाना उपचुनाव में भी उन्होंने विपक्षी एकता की बात की थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। सर्वानुमति से सर्वसहमति केसीआर